आप देख रहे हैं कर्नाटक से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब आपको हम गुलबर्गा नॉर्थ सीट लेकर चलते हैं। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है 20 साल से, जी हाँ 20 साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी का राज है, लेकिन कमरुल इस्लाम के निधन के बाद यहाँ समीकरण काफी बदल गए हैं। देखिए संवाददाता रक्षित सिंह की ये रिपोर्ट। गुलबर्गा नॉर्थ सीट पिछले 20 साल से कांग्रेस का गढ़ रही है। इस पर 50% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन इस बार यहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पिछले 20 बरस से ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण इस सीट पर काफी ज्यादा बदल चुके हैं और बदले हुए समीकरणों में ये सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। 6 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और मौजूदा सिद्धारमैया कैबिनेट के मंत्री रहे कमरुल इस्लाम के निधन के बाद गुलबर्गा नॉर्थ सीट पर चुनावी समीकरण बेहद तेजी से बदले हैं। कांग्रेस ने सीट से कमरुल इस्लाम की पत्नी कनीज फातिमा को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने युवा चेहरे चंद्रकांत पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि जेडीएस से निसार हुसैन उस्ताद मैदान में है। 5 साल अवाम के बीच में अवाम के मसाइल को लेकर के आवाज उठाता रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम वोटर्स जो है अपने भाई अपने बेटे नासिर हुसैन उस्ताद का साथ देंगे। निसार उस्ताद पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं है क्योंकि लंबे वक्त से सीट कांग्रेस की रही है और साथ ही बीजेपी ने इसमें सेंधमारी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वैसे तो मैं कैंपेनिंग वगैरह करती थी इलेक्शन में, लेकिन अब फर्स्ट टाइम अब एमएलए के लिए ठहरी हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। लोगों का रिस्पांस देख के अब थोड़ा काम तो लग रहा है, करना ही पड़ता है, बिजी हो गई हूँ मैं सारा दिन। 3 एरिया में 110,000 वोटर्स हिंदू के हैं, 110,000 उनको किसी की तरह का व्यवस्था नहीं है, पानी का नहीं किया, रोड का नहीं किया, ड्रेनेज नहीं है, लोग हमारे पास औरतें रो रहे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ सीट पर कुल 2,77,000 वोट हैं। इसमें मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 1,40,000 जबकि 1,37,000 हिंदू वोट हैं। हिंदू वोटों में करीब 40,000 दलित वोट हैं। दलित वोट अधिकतर कांग्रेस के पास जाने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक के लिए खूब मेहनत कर रही है। इस सीट पर ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के भी अपने सियासी मायने हैं। ये दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर है और इसके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। दरगाह प्रमुख के बेटे मुस्तफा बाबा खुद कांग्रेसी हैं और कमरुल इस्लाम के निधन के बाद टिकट के बड़े दावेदार थे, लेकिन अब कहते हैं कि वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। यहाँ काफ़ी हिंदू मुस्लिम एक जहती और गंगा जमुनी तहजीब जो आप कह सकते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगी, और यहाँ के बिल्कुल लोग भी नॉन कम्युनल हैं। दरगाह की ये जो 11 सीढ़ियाँ हैं ये भी कुछ कम मशहूर नहीं है। अब देखना ये होगा कि आखिर 12 तारीख को गुलबर्गा नॉर्थ सीट से सत्ता की तरफ इन सीढ़ियों को कौन चढ़ता है और 15 तारीख को आखिर कौन इस सीट से गद्दी नशीन होता है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज गुलबर्गा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।